डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके लिए 2020 के पेपर्स अपलोड कर रहे हैं हम। ऑलरेडी जो पेपर्स हो चुके हैं वो अपलोड कर दिए हैं और जो बाकी पेपर्स हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं और साथ ही साथ इनके सॉल्यूशंस भी हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं और बनते ही आपको वो सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 से लेके 7 क्वेश्चन हैं आपके सामने, बिल्कुल साफ साफ आराम से इसको देख लें। वीडियो को फुल HD में देखें, 480p क्वालिटी सेलेक्ट कर लें और फुल स्क्रीन कर लें, आपको पूरा पेपर का एक पेज एक बार में दिखाई देगा। आपके टॉपर्स की कॉपियाँ भी हमने डाल दी हैं इस चैनल पे, तो आप उनको देख करके अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे मैं उनको पढ़ दूंगा। जैसे ये 8वां क्वेश्चन है, डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है आपको बताना है। डेटॉल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग। 9th क्वेश्चन है, फ्रेयॉन 12 तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताइए। गिव द यूजेज ऑफ फ्रेयॉन 12 एंड क्लोरोफॉर्म, इन दोनों को आपको बताना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है, यदि इसकी कोष्ठिका की कोरों की लंबाई 4.077 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर तथा धनत्व 10.5 ग्राम/cm³, −3 है इसलिए हो, तो चांदी का परमाणवीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस इफ़ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.077 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम/cm³, देन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ये आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका में विभेद कीजिए, ये आपको बताना है। और आपके सारे क्वेश्चन इसके आगे बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ मैं। यहाँ पे 16, 17, 18 से लेके 20 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर विजिबल हैं, आप इनको पढ़ लें। आप अपने टॉपर्स की कॉपियाँ देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे 2014-15 से लेकर के अभी तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अब आगे चलिए, जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उनमें आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपियाँ हैं तो उसमें आप देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। यदि आपको कोई लिंक नहीं मिलती, आपको लिंक चाहिए, तो आप हमसे कमेंट के थ्रू लिंक मांग सकते हैं, कमेंट में लिख करके आप भेज सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप ख ऑप्शन देखिए, ख में है 1 बिलियन का परासरण दाब 3.2 है, जिसके प्रति लीटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। ये सुक्रोज थोड़ा धुंधला है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने पढ़ दिया इसको। बाकी सब कुछ ओके है, क्लियर है, तो आप इसको पूरा का पूरा लास्ट तक देख लें और पढ़ लें। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ 24 से लेके 28 क्वेश्चन है और सारे क्लियर हैं। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, आप टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी टॉपर्स की कॉपियाँ डाली गई हैं दूसरे बोर्ड्स की, उन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिएक्शन रहा। उन्होंने कहा कि सर, इस बोर्ड की टॉपर्स की कॉपियाँ देखने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हम जैसे लिखते थे और ये जो टॉपर्स लिखते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है हमें, तो उन्होंने इन चीज़ों से सीखा और बहुत बढ़िया उनका अब रिज़ल्ट आया है। उन्होंने खुद भी बताया कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और उनको लगता है कि अब वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर पे आप देख रहे हैं 29वां और 30वां क्वेश्चन। मैं 30वां क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है।
एक कार्बनिक यौगिक ए में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉल्विन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, परंतु सोडियम, अब इसके आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है। अभी आगे आप पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा क्लियर है। तो ये लास्ट पेज था इस क्वेश्चन पेपर का। इसके सॉल्यूशंस हम रेडी कर रहे हैं, तो आप उन सॉल्यूशंस के लिए वेट करिए। जैसे वो रेडी हो जाते हैं तो हम आपके पास में उस सॉल्यूशन को डाल देंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि कोई भी जब हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, तो आपको बार बार कोई पेपर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल है, जो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए खोला गया है। तो इसकी प्रेरणा मुझे अपने स्कूल से मिली थी, जो बच्चे बहुत परेशान होते थे, उनको एग्ज़ाम, कभी एग्ज़ाम पेपर नहीं मिलता था, कभी उनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते थे, तो इसलिए हमने ये चैनल को प्रोवाइड किया। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।